बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हां, बताया जा रहा है कि लुधियाना की ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ करीब आधा दर्जन युवकों ने गैंग रेप किया है। हल्ला करने पर युवकों ने डांसर की जमकर पिटाई भी की है। किसी तरह अपनी जान बचाकर डांसर ने पटना के बाईपास थाने में युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। वहीं मामले में पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि लुधियाना की रहने वाली ऑर्केस्ट्रा डांसर को उनके कुछ सहयोगियों के साथ कुछ युवकों ने बाईपास थाना क्षेत्र के कार्यक्रम के सिलसिले में बुलाया था। बुलाने के बाद सभी युवकों ने ऑर्केस्ट्रा डांसर को बाईपास स्थित एक गेस्ट हाउस के कमरे में ले गए और जबरदस्ती उनके साथ आधा दर्जन युवकों ने बारी बारी से गैंग रेप किया। जब युवती ने इसका विरोध किया और चीखना चिल्लाना शुरू किया तो गेस्ट हाउस के मैनेजर ने वहां पहुंचकर युवकों से कमरे को अंदर से बंद कर लेने की बात कही। घटना को अंजाम देने के बाद सभी युवक पीड़िता को वहां छोड़कर मौके से फरार हो गए। किसी तरह युवती बाईपास थाना पहुंची और थाने में 6 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर चुकी है। युवती ने ये भी आरोप लगाया है कि युवकों ने जबरदस्ती उसको शराब पिलाने की भी कोशिश की थी। घटना की पुष्टि करते हुए पटना सिटी के DSP 2 डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि पीड़िता के एक कार्यक्रम में बुलाकर उसके साथ मारपीट और गैंगरेप का आवेदन प्राप्त हुआ है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद मौके पर FSL टीम को बुलाकर छानबीन शुरू कर दी है। आज दिनांक 17/7/24 को बाईपास थाना अंतर्गत एक पीड़िता जिनकी उम्र लगभग 30 साल है, उनके द्वारा एक आवेदन प्राप्त कराया गया। आवेदन में उल्लेख है कि उनको कुछ लोगों ने एक स्थान पर बुलाया, मारपीट की और दुष्कर्म किया। प्राथमिकी सुसंगत धारा में दर्ज कर ली गई है। एक आदमी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है और अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। हालांकि बीती रात मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी युवकों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में गुरुवार की सुबह तक एक और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। पटना से द न्यूज़ पोस्ट के लिए ऋषिनाथ की रिपोर्ट।